स्वागत है आप सभी का आरसीआई के ऑनलाइन क्लासेस में। कल हमने बेटा पढ़ा है कि अचालक जो होना है, समरूप आवेशित अचालक जो होना है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हमने दो बिंदुओं पर ज्ञात कर ली थी। पहला जो बिंदु था वो आवेशित गोले के कहां पर था, बाहर स्थित बिंदु पर था, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था वो पृष्ठ पर था अचालक गोले के। अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट है वो है कि जो आवेशित जो बिंदु है, जब बिंदु कहां स्थित हो, जब बिंदु समरूप आवेशित अचालक गोले के अंदर, बाहर हमने पढ़ लिया था, अंदर स्थित हो तो इसका मतलब क्या हो गया, स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। ठीक है, अब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है डायग्राम को समझना। तो हम एक आर त्रिज्या का अचालक गोला लेते हैं। इस अचालक गोले की खासियत क्या है, अचालक गोले में आवेश अंदर की ओर रहता है। आवेश कहां रहेगा, अंदर की ओर। तो ये आवेश जो है वो अचालक गोले के अंदर है, जहां दिया जाता है वहीं रहता है, ये आवेश अंदर की। जो आवेशित हमारा अचालक गोला है इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कहां पर है, इसकी त्रिज्या क्या है, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर। इसकी त्रिज्या में क्या मान ली, कैपिटल आर। अब बिंदु कहां स्थित है, बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित है। अंदर स्थित है तो यहां पे मान लेते हैं कि बिंदु पी यहां पे स्थित है। ठीक है, पी बिंदु यहां स्थित है अचालक गोले के अंदर। ये दूरी क्या हो जाएगी बेटा, ये दूरी आपकी हो जाएगी स्मॉल आर। ठीक है, अब इस पी बिंदु पर हम एक गाउसियन पृष्ठ बनाए तो ये गाउसियन पृष्ठ इस तरह से बनेगा, ये बन गया आपका गाउसियन पृष्ठ। क्या बन गया, ये गाउसियन पृष्ठ। ठीक है, इस पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, बाहर की ओर होगी, ये बाहर की ओर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर क्यों है, क्योंकि प्लस का आवेश है, तो प्लस के आवेश से बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र कहां होगा, बाहर की ओर। और यहां पर क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो इस बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल किधर होगा, बंद पृष्ठ का क्षेत्रफल भी इधर ही होगा और ये होगा डीएस, यानी कि ई और डीएस की डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, अब इस गाउसियन पृष्ठ में देखो कोई ना कोई आवेश आ रहा है, कंप्लीट आवेश तो पूरे गोले में, इसमें कोई ना कोई आवेश आ रहा है। इस बड़े गोले को हमने आवेश दिया है क्यू, माना बड़े गोले को हमने आवेश कितना दिया है क्यू, तो छोटे गोले पर कितना आवेश अंदर, ये जो गाउसियन पृष्ठ बना है इसके अंदर जो आवेश होगा उसको हमने क्या मान लिया कि जो अंदर छोटा गोला है उसके अंदर आवेश है क्यू डैश। ठीक है, कैलकुलेशन करते हैं इसकी ध्यान से। तो देखो हम विद्युत फलक्स के फॉर्मूले से, विद्युत फलक्स और विद्युत फलक्स के फॉर्मूले से फलक्स क्या आ जाएगा, फाई ई इज इक्वल टू सूत्र था बंद पृष्ठ समाकलन, इसको बोलते हैं बंद पृष्ठ समाकलन, यहां से आ जाएगा ई डॉट डीएस। ठीक है, ई डॉट डीएस को क्या लिख सकते हैं, फाई ई इज इक्वल टू बंद पृष्ठ समाकलन ई डॉट डीएस कॉस थीटा। भाई ये अदिश गुणा है तो क्या आएगा, कॉस थीटा, और यहां पे थीटा बताइए क्या है, थीटा है जीरो। थीटा किसके बीच का कोण है, ई और डीएस के, और ई और डीएस एक ही रेखा पर है तो कोण कितना रहेगा, जीरो। तो यहां पे फाई ई क्या आ जाएगा आपके पास, फाई आ जाएगा समाकलन बंद पृष्ठ ई डॉट डीएस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान कितना होता है, क्योंकि कॉस जीरो का मान होता है एक, तो प्लस क्या आ जाएगा, फाई ई। कॉन्स्टेंट क्या है यहां पे, ई कॉन्स्टेंट है, बदलने वाला नहीं है,
तो बंधप्रण समाकलन ds और cos 0 का मान 1। क्लियर है? यहां तक उतार लो ध्यान से, ध्यान के तौर में आगे इसको तो फाई e आपके पास आ जाएगा e इंटू ds का समाकलन, ds का समाकलन होगा s, और s क्या है, इस गोले का, गोले का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होगा, गोले का क्षेत्रफल आपको याद होगा और पाई, बताइए गोले का क्षेत्रफल और पाई r स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा पाई e इज इक्वल टू e इंटू फोर पाई r स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास विद्युत फलक्स, इसको दे देंगे समीकरण नंबर एक। अरे क्लियर है? अब हम गॉस का नियम अप्लाई करते हैं और विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे। तो गॉस के नियम से पहले यहां तक उतार लीजिए, मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं, यहां से रफ कर दूं, उतार लिए क्या सबने? अरे जल्दी उतारो रे, उतार लिए? देखो अब हम गॉस का नियम अप्लाई करते हैं। तो गॉस का नियम क्या है, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से फ्लक्स का मान क्या है, फाई ई जी कल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अरे नहीं क्या, क्लियर? लेकिन यहां पर आवेश किसका है, इस बंद पृष्ठ में जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया इसमें कितना आवेश है, पूरे गोले पर तो क्यू है, पूरे गोले पर क्यू है, तो इसके अंदर कितना है, क्यू डैश। तो हम यहां लगा देंगे क्यू डैश, इसको दे देंगे समीकरण नंबर दो। Q डैश का मान अब हमारा लक्ष्य है ज्ञात करना। Q डैश का मान ज्ञात करने के लिए हम गणितीय रूप अपनाते हैं। तो संपूर्ण गोले का आयतन कितना है, संपूर्ण गोले का आयतन है 4/3 पाई कैपिटल R क्यू। इसमें आवेश कितना है, Q। तो अगर एक आयतन है तो उसमें आवेश कितने होंगे, Q अपॉन 4/3। इसलिए चूंकि लगा रहे इसे तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो भाई इस गोले छोटे जो हमने गाउसियन पृष्ठ बनाया इसका आयतन कितना है, इसका आयतन है 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब, में आवेश कितने होंगे, तो क्या आ जाएगा, क्यूब बटे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां तक उतार लिया, रफ कर देता हूं इसको, देखो थोड़ा ऊपर लिखेंगे तो Q डैश का मान आपके पास आ जाएगा Q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल R क्यूब। क्या कैंसिल हो गया, 4/3 से 4/3 कैंसिल, और पाई से, पाई से पाई भी कैंसिल। क्लियर है? तो Q डैश का मान क्या आ गया, Q डैश इज इक्वल टू Q इंटू स्मॉल R क्यूब अपॉन कैपिटल R क्यूब। ये आ गया आपके पास Q डैश का मान, Q डैश का मान आ गया है। तो इसको आगे सॉल्व करें, इसको यहां तक उतार लिया आपने। अब हम गॉस के नियम में रख देते हैं, गॉस का नियम था फाई E इज इक्वल टू Q डैश अपॉन एप्सिलॉन जीरो, समीकरण दो यही थी, ये मान यहां पर रख देंगे। तो फाई क्या आ जाएगा बेटा, फाई इज इक्वल टू क्यू इंटू आर क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन जीरो। क्यू डैश की जगह मान रख दिया, इस क्यू डैश का मान क्या रख दिया, तो इसको दे देंगे समीकरण नंबर तीन। अब ध्यान से देखो, समीकरण तीन और समीकरण एक दोनों में क्या समानता है, एलएचएस साइड दोनों का क्या है, समान है, तो आरएचएस साइड भी क्या होगा, समान। तो दोनों को समान करेंगे, तो मैं इसको रफ कर देता हूं, थोड़ा सा उतार लिया होगा डायग्राम आपने, इसको रफ किया, अरे पीछे बात कैसे कर रहा। देखो यहां पे समीकरण एक और तीन से, समीकरण एक व तीन से LHS बराबर है दोनों समीकरणों का, तो RHS भी क्या होगा, बराबर। तो आपके पास आ जाएगा E इंटू 4/R स्क्वायर इंटू 4/R स्क्वायर इज इक्वल टू
इसका मान गया Q इंटू स्मॉल आर क्यूब अपॉन आर क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये मान इसका क्या कैंसिल हुआ आर स्क्वायर से आर क्यूब कैंसिल, ये 4 पाई उधर जाएगा तो E का मान आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई और एप्सिलॉन नॉट यहां से, और यहां क्या बच गया Q, और क्या बच गया एक आर स्क्वायर से कट गया था आर क्यूब धन एक आर बच गया अपॉन आर क्यूब, यह आ गया ई इन। ई इन का मतलब, अरे ई इन का मतलब इन साइड द सरफेस, यानी कि गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान, ठीक है। अब यहां से एक बात और क्लियर हो रही है कि गोले के केंद्र पर, सवाल कई बार बोर्ड में पूछा जाता है कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो केंद्र के लिए क्या करें ध्यान से देखो, तो केंद्र पे आर का मान क्या हो जाएगा 0। भाई देखो ये हमारा गोला था और ये गाउसियन पृष्ठ था, ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, तो केंद्र पे आने के लिए इस पी बिंदु को क्या करना पड़ेगा आर को 0 करना पड़ेगा, तो आर 0 करेंगे तो आर इज इक्वल टू 0, कहां गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ई सेंटर, ई सेंटर का मतलब गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र में क्या करना है हमें स्मॉल आर को 0 करना है, स्मॉल आर को 0 करेंगे तो क्या जाएगा बेटा 0, कैसे ऊपर वाले फॉर्मूले में रख के देखो यहां 0 रखेंगे तो कंप्लीट 0 हो जाएगा, तो यहां पर आ गया कि गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है अचालक गोले के 0, चालक गोले के अंदर तो संपूर्ण 0 होता है लेकिन अचालक गोले के केंद्र पर क्या होता है 0, ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो हम नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे, यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, है क्या कोई डाउट किसी को, नहीं तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में कल, थैंक यू।